The kinetic energy and the potential energy of a particle executing SHM are equal. The ratio of its displacement and amplitude will be. देखो हम जानते हैं कि kinetic energy का formula हो जाता है half m v square, जिसको हम लिख सकते हैं half या तो इसको देखो लेंदी करें v की जगह हम लिखें a square omega square sin square ओमेगा टी. ठीक है चलो इसको यहाँ तक छोड़ लेते हैं. और काइनेटिक पोटेंशियल हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना. बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. एक काम करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को हम एक दूसरे से रिलेट कराते हैं. टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी अगर पोटेंशियल की काउंट करूँ तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और काइनेटिक की काउंट करूँ तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी. हमको इन दोनों को इक्वल करना है. ओके वेरी सिंपल, आपने इसको यहाँ से हटा दिया. एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टू एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर. एक्स शुड बी इक्वल टू ए बाय रूट टू, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड का रेशियो 1/√2 आ गया. ओके okay?